एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित एक पॉपुलर अदाकारा हैं। उन्होंने हर एक किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया है, मानो वो उस किरदार को जी रही हूँ। अपना हर एक किरदार माधुरी के बहुत करीब है। शुरुआती दिनों में जब उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, तब उन्हें थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी थी, लेकिन अपने हुनर की बदौलत वो धीरे धीरे कर लोगों के दिलों में छा गई। बॉलीवुड का हिस्सा बने हुए उन्हें 38 साल हो गए हैं। माधुरी ने कई किरदार निभाए, लेकिन उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन में निभाई गई किरदार ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अबोध से की थी। आज इस फिल्म के 38 साल भी पूरे हो गए हैं। एक्ट्रेस का करियर ग्राफ अभी भी बुलंदियों पर है। आपको बता दें कि माधुरी ने बहुत सारी फिल्में की हैं, जो सुपर डुपर हिट रही हैं। लोगों ने उनके हर एक किरदार को स्वीकार किया। माधुरी ने फिल्म तेजाब में मोहिनी, रामलखन में राधा, दिल में मधु, तो कभी अनजान में शिवानी चोपड़ा, वहीं चर्चित फिल्म देवदास की चंद्रमुखी का किरदार निभाया है। लेकिन उनके दिल में जो किरदार उतरा था, जिससे वो खुद को रिलेट कर पाती है, वो किरदार है हम आपके हैं कौन की निशा का। साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने निशा नाम की लड़की का किरदार निभाया था। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसे काफी पसंद किया गया। फिल्म में माधुरी के अपोजिट थे सलमान खान। माधुरी दीक्षित के अनुसार वो खुद को इस किरदार के साथ रिलेट कर पाती हैं, क्योंकि वो काफी हद तक निशा की तरह ही हैं। आपको बताते चलें कि माधुरी अब फिर से अपने हुस्न का और एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली हैं। फैंस उनके ओटीटी डेब्यू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे अब अपने करियर में वो एक और किरदार जोड़ने जा रही हैं, जो है अनामिका आनंद का। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द फेम गेम रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। 25 फरवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, और इस बार भी माधुरी को फैंस का वही प्यार मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अब देखना होगा कि उनके इस किरदार को फैंस निशा की तरह ही प्यार देते हैं या फिर नहीं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।